हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी अबोहर। माई सेल्फ मोहित गर्ग और आज मैं आपका लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास टेंथ के सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके बाद मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है बोर्ड पर, तो देखिए क्या कहता है स्टूडेंट। कहते हैं इन गिवन फिगर QR / QS इज इक्वल टू QT / PR। QR ये पूरी रेशियो एंड QS ये है एंड QT ये पूरी रेशियो एंड PR ये रेशियो। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, साइड का इक्वल दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल है और आपने प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQS सिमिलर है TQR के। PQS एक केवली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल TQR के क्या सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, या तो हम इसके साइड का रेशियो इक्वल दिखा दें, ठीक है, या हम रूल लगा सकते हैं SAS, ओके स्टूडेंट्स, या हम रूल लगा सकते हैं AAA या AA। तो आइए देखिए इसके अंदर क्या रूल लगता है, यहां पर देखते हैं। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, गिवन का आपको क्या, गिवन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गिवन कि नाउ इट इज गिवन दैट QR / QS इज इक्वल टू QT / PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और 2 प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। प्रूफ देखिए, देखो स्टूडेंट्स, एंगल 1 एंगल 2 के आपको इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल 1 जो एंगल 2 है वो ट्रायंगल PQR में है, ये आपको पता लग रहा है स्टूडेंट्स। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये कौन सी ट्रायंगल में है, PQR में। तो लेके चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल PQR देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में एक थ्योरम की थी, अगर एक ट्रायंगल की दो एंगल्स इक्वल हो तो उसे ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो वो रूल्स यूज करेंगे, एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है, PR, और एंगल 2 के सामने वाली साइड क्या है, PQ। तो मींस PR इज इक्वल टू PQ, इसका रीजन लिखोगे टू इक्वल एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको गिवन दिया हुआ है QR / QS इक्वल टू QT / PR, लेके चलते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ है, QR / QS इज इक्वल टू QT / PR। अभी देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने प्रूव किया है कि PR इज इक्वल टू PQ, ये प्रूव किया है, तो मैं इधर PR की जगह पे क्या लिखूंगा, PQ। तो लिखेंगे देयरफॉर QR / QS इज इक्वल टू QT / PQ बिकॉज अबव प्रूव्ड PR इज इक्वल टू PQ, ये हमने अब ऊपर क्या किया, प्रूव किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, QR जो है वो ट्रायंगल TQR की साइड है और QS जो है वो ट्रायंगल PQS की साइड है, तो हमने ट्रायंगल PQS पहले रखना है और ट्रायंगल TQR को बाद में रखना है। तो ये ऑपोजिट दिया हुआ है, तो हम इसका रेसिप्रोकल चलते हैं, तो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, QS / QR, इसको उल्टा करके लिख दो, PQ इज इक्वल टू QT, PQ / QT, ओके स्टूडेंट्स, ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए जो दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है उन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PQS सिमिलर एंड ट्रायंगल TQR, ये दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं और इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। अब लिखे हो, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो हमने ऊपर प्रूव किया है, देखो QS जो इस साइड की साइड है और QR इसकी है, PQ दिस एंड QT दिस, तो इन दोनों साइड के ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होगा अपने पास ऊपर प्रूव हो गया। लिखेंगे देयरफॉर QS / QR इज इक्वल टू PQ / QT अबव प्रूव्ड, ओके स्टूडेंट्स, PQS और TQR, ठीक है स्टूडेंट, PQS और TQR, PQS में एंगल 1
और टी क्यू आर में भी एंगल वन कॉमन आ रहा है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं बाय कॉमन। तो दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो गया। तो बाय एस ए एस सिमिलर रूल से दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, सिमिलर। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्रायंगल टी क्यू आर के, ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। तो आइए एक बार और देखते हैं। मुझे एंगल वन एंगल टू के गिवन दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, एंगल वन के सामने वाली साइड पी आर थी और एंगल टू के सामने वाली साइड पी क्यू थी, तो मीन्स पी क्यू को पी आर के इक्वल किया। फिर जो गिवन दिया हुआ था पी आर के, जब मैंने क्या लेकर दिया पी क्यू, जो हमने प्रूव किया था, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया ताकि मुझे ट्रायंगल पी क्यू एस पहले चाहिए और ट्रायंगल टी क्यू आर बाद में चाहिए। तो इस कारण मैंने इन साइड को क्या किया और रेसिप्रोकल करके इक्वल कर दिया। अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर करनी थी उसको मैं लेके चल रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को मैं लेके चला, दोनों साइड का रेशियो इक्वल किया और ये एंगल कॉमन बना रहा है, तो बाय एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी सिमिलर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे आप राइट टर्न कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 5। ओके स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन। आइए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, आप देखिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। कहता है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी एंड पी आर एंड क्यू आर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर और सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। और आपको प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। डायग्राम इसमें दिया नहीं हुआ, तो डायग्राम हम देखें कैसे बनाते हैं। कहता है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट्स। एस जो है वो पी आर पे है, एक पॉइंट पी आर पे एस ले लिया, और क्यू आर पे क्या है टी है, क्यू आर, इस क्यू आर पे क्या ले लेते हैं टी। ओके स्टूडेंट्स, एस जो पॉइंट है वो पी आर पे था, टी जो पॉइंट था वो क्यू आर पे था, और इसको क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। एंगल पी, ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स आर टी एस, आर टी एस इस एंगल क्या है इक्वल है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, गिवन में लिखोगे स्टूडेंट्स एस एंड टी आर पॉइंट ऑन दिस साइड पी आर एंड पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है। टू प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, ज्वाइन एस टी, एस टी को हमने ज्वाइन किया था। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही सिंपल प्रूफ है। देखिए आपने प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू को सिमिलर करना है आर टी एस के। आर पी क्यू मतलब ये पूरी ट्रायंगल जो है वो इस छोटी वाली ट्रायंगल के क्या है सिमिलर है, ये आपने प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, तो देखिए आपको गिवन है कि ये वाला एंगल इस एंगल क्या है गिवन है, लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये आपके पास क्या है गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ट्रायंगल आर पी क्यू के अंदर एंगल आर और ट्रायंगल आर टी एस का भी ट्रायंगल आर, एंगल जो आर है वो क्या है कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, तो बाय ए ए सिमिलर रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स सिमिलर। तो यही हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपने डायग्राम अपना बनाना था कि एस और टी जो पॉइंट दिए थे पी आर क्यू आर पे दिए हुए थे, मैंने पी आर पे एस पॉइंट ले लिया और क्यू आर पे टी पॉइंट ले लिया, तो ये एंगल और ये एंगल के, ये वाला एंगल और एंगल के इक्वल दिया हुआ था, तो ये वाला जो एंगल था वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन था, तो बाय ए से दोनों ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद भी हम बाय ए से
बाय AA से हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे कि अगर दो ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूव करना हो तो आपके पास रूल्स होते हैं, क्या तो दो एंगल इक्वल दिखा दो या तीन एंगल इक्वल दिखा सकते हो या SAS रूल लगा सकते हो, RHS रूल भी लगा सकते हो और ASA रूल भी लगा सकते हो। तो मीन्स हम क्या ज़्यादातर क्या करेंगे डबल ए से अगर दो एंगल इक्वल होते होंगे तो दो बाई AA से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते जाएंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इक्वल ले सकते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।